गुजरात के भावनगर में तेज रफ्तार का कहर, रेलिंग तोड़ता हुआ समंदर में गिरा ट्रक। गुजरात में गीर के जंगलों में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, घास खाता दिखा शेर। नोएडा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई, लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। यूपी के पीलीभीत में युवक को मिली मंगेतर से मिलने की सजा, कॉलेज के बाहर मिलने पर लड़की के मामा ने जमकर पीटा। राजस्थान के अलवर में छात्र संघ चुनाव में दोबारा गिनती की मांग पर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में NH58 पर चलती कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। भुवनेश्वर में यात्री बस में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे यात्री, धू धू का जली बस। राजस्थान के सीकर में छात्र संघ चुनाव में दोबारा मतगणना को लेकर SFI का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। प्रयागराज में LT ग्रेड परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग पर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कैब में लगी आग, हादसे में ड्राइवर की बाल बाल बची जान। रेगिस्तान पर मेहरबान हुए इंद्र देवता, भारी बारिश से पानी पानी हुआ बाड़मेर। जैसलमेर में भारी बारिश, यज्ञ करने के बाद मेहरबान हुए इंद्र देवता, जमकर बरसे बादल। उज्जैन में लगातार बारिश से हाहाकार, उफनते नाले को पार करने के दौरान बह गया एक युवक। मध्यप्रदेश के खरगोन में बारिश के कारण खेत और गांव में नाव चलने की नौबत, सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद। भारी बारिश के बाद बढ़ी भोपाल से लोगों की मुश्किल, सब्जियों की कीमत में आसमानी उड़ान। तमिलनाडु के कोयम्बटोर में NIA का सर्च ऑपरेशन, 5 जगहों पर तलाशी, IS मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला। पाक खुफिया एजेंसी ISI के खौफनाक मंसूबों का आज तक ने किया खुलासा, दहशतगर्दी फैलाने के लिए भारत समेत 4 देश में शुरू किए बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती का अभियान। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बोला ISI एजेंट, भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रची जा रही है बड़ी साजिश। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान की नई साजिश, बालाकोट इलाके में ISI और जैश मिलकर तैयार कर रहे 45 विदाइन, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने बताई भारत पाकिस्तान लड़ाई की तारीख, अक्टूबर या नवंबर में होगी जंग। अनुच्छेद 370 तक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, केंद्र सरकार को नोटिस जारी, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक करने पर विचार। कोर्ट ने इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे कम्युनिकेशन पर लगी रोक की मांग की, 7 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने CPM महासचिव सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी, पुलिस की सुरक्षा में पार्टी नेता से करेंगे मुलाकात। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद आलिम को मां बाप से मिलने के लिए अनंतनाग जाने की इजाजत दी, पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान, 3 महीने में एक साथ भरे जाएंगे 50,000 पद। राहुल गांधी पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का आपत्तिजनक बयान, कहा अब चुनाव आएंगे तो 370 के हिमायती को लोग जूतों से मारेंगे। इस वक्त देश में चुनाव आएगा, उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं, लोग जूतों से मारेंगे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की आज तक से खास बातचीत, कहा बार बार लेटर लिखने के बाद भी नहीं दी जा रही है मां से मिलने की इजाजत। एक हफ्ते पहले हमने लेटर भेजा, हमें बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो बताया नहीं गया है कि हम महबूबा जी से कब मिल सकते हैं। इसने क्या हमसे सारे हक छीन लिए कि आज एक बेटी अपनी माँ से नहीं मिल सकती। हमारे पास 50 राज्यपाल सत्यपाल मलिक का राहुल पर आपत्तिजनक बयान, कहा उनका बर्ताव पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह, चुनाव में जनता मारेगी जूते। सत्यपाल मलिक का बयान, कश्मीर में कानून व्यवस्था पर फोकस, 370 हटने के बाद नहीं गई एक भी जान। राज्यपाल का दावा, जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 से 3 महीनों में देंगे 50,000 नौकरियां, कश्मीर में सकारात्मक बदलाव हमारी प्राथमिकता। अक्टूबर के महीने में नहीं होगा जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर समिट, सरकार ने नवंबर तक टाला। आज दिल्ली में फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। दिल्ली के प्रसाद नगर में 15,000 रुपए के लिए युवक का मर्डर, मॉडलिंग का कोर्स कर रहे विनय को आरोपियों ने गोलियों से भूना। पंजाब के पटियाला में डीजे को लेकर पुराने विवाद में गुट ने दूसरे गुट पर किया हमला, 20 से 25 लोग घर में घुसकर कर चुके हैं तोड़फोड़। पंजाब के अमृतसर में सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो, पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया। बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, बैंक से पैसा लेकर लौट रहे कारोबारी के कर्मचारी से 4 लाख लूटे। यूपी में बरेली में भीड़ तंत्र का कहर, भैंस चोरी के आरोप में युवक को पीट पीट कर मारा। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव शिव कुमार ने की खुदकुशी, अपने ही फ्लैट में जहर खाकर दी जान। प्रयागराज में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, फैक्ट्री चलाने वाले पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आई गैंग वॉर की वारदात, 2 अपराधियों का गोलियों से छलनी शव मिला, मनिया नदी के पास बरामद हुई लाश।
पंजाब के मोगा में लोगों ने की पुलिसकर्मी की पिटाई। मकान मालिक और किरायेदार के बीच झगड़े की सूचना पर पहुंचा था पुलिसकर्मी। गाजियाबाद के मुरादनगर पुलिस को मिली कामयाबी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बस से 202 पेटी शराब जब्त। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में करोड़ों की ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। यूपी और मुंबई पुलिस की कार्रवाई। मुंबई के व्यापारी को लगाया था 5 करोड़ का चूना। मथुरा के दंपत्ति की हत्या मामले में दोषी थानाध्यक्ष और 2 दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। लापरवाही बरतने पर 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में महिला अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 2 साल की मासूम को अगवा कर ले गई थी छत्तीसगढ़। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में गर्भ में लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का खुलासा। डायग्नोस्टिक सेंटर से एक महिला समेत 3 आरोपी हिरासत में। राजस्थान के अलवर में ट्रक में जा रहे 31 गोवंश को पुलिस ने मुक्त कराया। 6 गोवंश मृत पाए गए। मथुरा के थाना सुरीर में सुनवाई न होने पर पति पत्नी ने खुद को लगाई आग। एसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड। हाथरस से बच्चों की लड़ाई में पति पत्नी को दबंगों ने गोली मारने की धमकी दी। वारदात मोबाइल कैमरे में कैद। हमीरपुर में रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोलने का विरोध। महिलाओं ने सड़क जाम कर किया हंगामा। महाराजगंज में सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह पर बच्चा चोर समझकर युवक की धुनाई। पुलिस ने भीड़ से युवक को बचाया। संभल में 2.5 लाख के नामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा। 2 कांस्टेबल की हत्या कर हुए थे फरार। मऊ में चाकू से गोदकर युवक की 2 लड़कियों ने की हत्या। मौके से फरार अज्ञात लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा में I-10 धू धू कर जली। बाल बाल बचा ड्राइवर। कूद कर बचाई जान। वाराणसी में दिल दहलाने वाली वारदात। कमीशन खोरी से तंग आकर ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के दफ्तर में खुद को मारी गोली। मध्यप्रदेश के मंदसौर में बारिश के पानी के साथ गांव में घुसा 5 क्विंटल का मगरमच्छ। वन विभाग ने चंबल नदी में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। 675 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल का अजीबो गरीब बयान। महाराष्ट्र के जालना में बोले बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन। मशीन में धोकर किसी को पार्टी में करते हैं शामिल। दिल्ली में भीड़ के हाथों मौलाना की मौत मामले में आम आदमी पार्टी के नेता देर रात पहुंचे थाने। पुलिस पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने शिवराज की पत्नी साधना सिंह पर लगाया आरोप। कहा सबसे ज्यादा डंपर तो शिवराज की पत्नी के नाम है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के 2 छात्र गुटों में झड़प। संघर्ष में 8 छात्र घायल। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हलचल तेज। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह रेस में शामिल। आवास में मिलने पहुंचे कांग्रेस के 25 से 30 विधायक। हाजीपुर में सनसनीखेज वारदात। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पूरी बस्ती पर किया एसिड से अटैक। एसिड अटैक से 19 लोग झुलसे। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। प्रशासन में हड़कंप। दरभंगा में ऑटो के लिए माँ बाप ने बेटे को बेचा। दूसरे बेटे के सौदे की भनक पर दादा पहुंचे थाने। माँ बाप पर केस दर्ज। 34 साल बाद पटना पुलिस ने बरामद की 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति। जहानाबाद से हुई थी चोरी। 20 करोड़ है कीमत। समस्तीपुर में आलर एसपी नेता की गाड़ी से शराब तस्करी का खुलासा। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। 2 की गिरफ्तारी। झालावाड़ में 25 बीघा खेत के लिए पिता के पैरों में बेड़ियां डालकर बेटे ने किया कैद। भागकर डीएम के सामने लगाई गुहार। अलवर में युवक की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। बच्चा चोरी होने के शक में भड़की भीड़। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। अजमेर ने 5 बदमाशों को पकड़ा। रणथंभौर में बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट। टाइगर की 104 पर 2 लोगों को मारने का शक। वन विभाग मौन। झालावाड़ में उफंदे नाले में बहा दिव्यांग। डूबने से हुई मौत। गोताखोरों की मदद से शव बरामद। अलवर पुलिस ने 31 गौवंश के साथ ट्रक को पकड़ा। 6 गायों की मौत। ड्राइवर और हेल्पर खेतों के रास्ते हुए फरार। इंदौर के NH-69 में कार में लगी आग। हादसे के वक्त कार में 3 सवार सभी सुरक्षित। दिल्ली में बच्चों के खेलने वाले चिल्ड्रन करेंसी ने लाखों की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के वाहन चोरी से परेशान हुए लोग। घर के बाहर से स्कूटी उड़ाई गई। 3 छात्र चोर कैमरे में कैद। दिल्ली में दिन दहाड़े झपटमारों ने महिला से फोन छीना। वारदात सीसीटीवी में कैद। चित्तौड़गढ़ में NSUI और ABBP छात्रों के आपस में भिड़ा। छात्र संघ नतीजों के ऐलान के बाद हंगामा। रीवा में छात्र को अगवा कर हत्या के मामले में हंगामा। आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर जमकर मचाया बवाल। मुरैना में लड़की के साथ गैंगरेप। 2 नाबालिग लड़के हिरासत में। 4 पर केस दर्ज। पानी का लेवल बढ़ने के बाद कोटा बैराज डैम के 14 गेट खोले गए। चंबल किनारे निचले इलाकों में बस्तियों में घुसा पानी। भुवनेश्वर में यात्री बस में अचानक लगी आग। बाल बाल बचे यात्री। धू धू कर चली बस। झज्जर में खस्ताहाल ब्लड मेडिकल कॉलेज की हालत पर छात्रों ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। नाराज कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की एंट्री पर लगाई रोक। जलंधर में पुलिस ने ISI एजेंट को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद। पुलिस को मिली 3 दिनों की रिमांड। फरीदकोट में नामी मेडिकल स्टोर मालिक के घर दुकान पर पुलिस की रेड। ड्रग्स और नशीली गोलियां बरामद। हिमाचल के चंबा में रावी नदी की तेज बहाव में बहा युवक। स्थानीय लोगों की मदद से बची जान।
गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश के बाद उफान पर नर्मदा डैम 134 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। मंदी के असर से मारुति सुजुकी में छंटनी का सिलसिला बरकरार, 3000 अस्थायी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म। भारत में फेस्टिव सीजन तक लॉन्च हो सकती है मारुति। टाटा और रेनो की 4 नई कारें, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का इंतजार भी होगा खत्म। एयर और रोड ट्रांसपोर्ट से मुकाबला करने के लिए रेलवे घटाएगा तेज गतिमान, शताब्दी के किराए 25% तक कमी करने की तैयारी। जियो ने जून तिमाही में कमाए 10,900 करोड़, एयरटेल और वोडा आइडिया को पीछे छोड़ा। किराए के मामले बेंगलुरु के सीबीडी ने दिल्ली मुंबई को पछाड़ा, एशिया में 5वीं सबसे महंगी जगह। एंटीगा टेस्ट में दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन का जसप्रीत बुमराह को मिला इनाम, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में टॉप 10 गेंदबाज ने पहली बार एंट्री। हेडिंग्ली टेस्ट में हीरो बने स्टोक्स ने, बैटिंग की रैंकिंग में मारी 13 पायदान की छलांग, विराट नंबर 1 पर बरकरार। जमैका टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज ने ऑलराउंडर कीमो पॉल को टीम में किया शामिल, तेज गेंदबाज मिगुल कामिंस की जगह लेंगे। आज तक के साथ वर्ल्ड चैंपियन की खास मुलाकात, पीवी सिंधु की नजर अब ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पर। गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने कराया घुटने का ऑपरेशन, अक्टूबर तक पूरी तरह ठीक होने की संभावना। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।